हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ मेडिसिन। आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज आपके विषय में जो ये साल्विन कोल्ड टैबलेट है, इसके विषय में सब कुछ जानेंगे। जैसा कि हम सबसे पहले आपको कुछ विशेष टॉपिक के विषय में बता देना चाहते हैं। पहला, साल्विन कोल्ड क्यों प्रयोग किया जाता है, साल्विन कोल्ड टैबलेट के डोजेज क्या हैं, साल्विन कोल्ड टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, साल्विन कोल्ड टैबलेट के प्रयोग करने से पहले किन बातों को आपको ध्यान में रखते हुए सावधानियां करना है, और साल्विन कोल्ड टैबलेट पेशेंट में किस तरह से वर्क करता है, इसी से जुड़ी आपको जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो कृपया इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि इसके क्या प्रयोग हैं। तो साल्विन कोल्ड टैबलेट का प्रयोग निम्न बीमारियों, स्थितियों और लक्षणों के उपचार, नियंत्रण, रोकथाम और सुधार के लिए किया जाता है, जैसे कि सर्दी, खांसी, सामान्य जुखाम, बुखार, तीव्र गलदाह, कान का दर्द, ऐसी ही समस्याओं में इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। जैसे सर्दी वाला जुखाम हो या बुखार हो, और उसी सर्दी में आपका दांत भी दर्द कर रहा है, या तो उसी सर्दी में आपका मासिक वाला पेन हो रहा है, तो भी वहाँ पे भी आप इस टैबलेट का प्रयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आइए इस टैबलेट के डोजेज के विषय में आपको बता दें। तो इसके डोजेज फ्रेंड्स जो है, अगर एडल्ट लोग हैं तो जो 15 साल के ऊपर या 12 साल के ऊपर, तो उन्हें एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को खाना होता है। और यदि ज़्यादा प्रॉब्लम है, ज़्यादा फीवर है, ज़्यादा सर्दी है, तो एक टैबलेट सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम भी खा सकते हैं। तो ध्यान में रखते हुए इस टैबलेट का प्रयोग करने से पहले आपको खाना अवश्य खा लेना चाहिए। खाना खाने के बाद ही इस टैबलेट का प्रयोग करना चाहिए। तो आपको सुबह और शाम एक एक टैबलेट लेना है, ज़्यादा आवश्यकता पड़ने पर आप तीन बार भी ले सकते हैं। तो अब फ्रेंड्स, आइए इसके साइड इफ़ेक्ट के विषय में भी चर्चा कर लेते हैं। तो ये दुष्प्रभाव संभव हैं लेकिन हमेशा नहीं होते, कुछ दुष्प्रभाव दुर्लभ लेकिन गंभीर हो सकते हैं। यदि आपको निम्न में से किसी भी दुष्प्रभाव का पता चलता है और यदि समाप्त नहीं होते हैं, तो अपने चिकित्सक से संपर्क करें। जैसे धीमी हृदय की क्रिया, जो हृदय की क्रिया है वह धीमी हो जा रही है, और कब्ज का आपको महसूस हो रहा है, बीमार महसूस कर रहे हैं, जैसे आपको हरारत तो है ही और वीकनेस आ जा रहा है यदि इस टैबलेट के प्रयोग करते समय, और पेट में दर्द होने लग रहा है, त्वचा लाल हो रहा है, सांसों की कमी हो रही है, मतली आ रही है, चकत्ते पड़ रहे हैं, और भी कई ऐसे प्रॉब्लम जो आपको दिख सकते हैं, जो आपके रोग से अभिन्न हो, भिन्न हो, चक्कर आना, घबराहट, सीने में जकड़न, ऐसी कोई भी समस्या यदि आपको दिखती है, तो तुरंत आप इस टैबलेट का प्रयोग करना बंद कर दें और अपने स्थानीय डॉक्टर से संपर्क करें। तो फ्रेंड्स, आइए इस टैबलेट के प्रयोग करने से पहले कुछ सावधानियाँ जो होती हैं उसके विषय में बात कर लेते हैं। तो यदि आप जो है पैरासीटामॉल टैबलेट के प्रति असहानुभूतिपूर्ण हैं, तो इसके उपयोग से बचें। अगर आपको कोई श्वास लेने की समस्याएं, मोतियाबिंद या पेशाब करने में कठिनाई हो, तो इसे उपयोग करने से पहले अपने चिकित्सक से पूछ लें। अपने चिकित्सक से तुरंत परामर्श करें यदि आपको सांस लेने में कठिनाई, आपके चेहरे, गले, कंठ या जीभ पर सूजन है। इस दवा को लेते समय शराब और अन्य शामक औषधियों से परिवर्जन करें। इस दवा से असहानुभूतिपूर्ण के लक्षणों का सामना करने पर तत्काल चिकित्सक से संपर्क करें। इसे भोजन के साथ लें, इसे सोने के समय के बहुत करीब न लें, और गर्भवती महिलाओं को देने से पहले आप अपने डॉक्टर से अवश्य संपर्क करें। तो फ्रेंड्स, आइए अब बात करते हैं ये पेशेंट में किस तरह से वर्क करता है। तो इस कंपोजिशन को देखते हुए आपको हम बताते हैं ये कैसे आपके बॉडी में वर्क करता है। तो आप देख सकते हैं पैरासीटामॉल 500 mg और फेनाइल फेराइन हाइड्रोक्लोराइड 10 mg और क्लोरोफेनरामिन मेल्टेड 2 mg मिला हुआ ये टैबलेट है, जो कि कंपोजिशन है, और ये इप्का कंपनी के द्वारा बनाई गई जो प्रोडक्ट है और पेटेंट कंपनी है। बहुत ही अच्छे अच्छे डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर इसको प्रेफर भी करते हैं, और बहुत ही अच्छी मेडिसिन आपको किसी भी दुकान ऑनलाइन मिल सकती है। तो ये पेशेंट में जो कि पैरासीटामॉल फीवर को कम करता है, और फेनाइल फ्राइज और क्लोरोफेनरामाइन जो है ये सर्दी को कम करता है बॉडी में जाने के बाद। तो ये टैबलेट का प्रयोग करके आप सर्दी, जुखाम, बुखार से निजात पा सकते हैं। तो ये थी साल्विन कोल्ड टैबलेट के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ पूछना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में सेंड करें। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।